हाँ मेरे भाई, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे अपस्टॉक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनको नहीं पता चलता कि कितने ब्रोकरेज चार्जेस अपस्टॉक आपसे चार्ज करता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अपस्टॉक की ब्रोकरेज कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और जानेंगे कि अपस्टॉक आपसे कितना ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज करता है और कौन से सेगमेंट के अंदर कितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। वो सब आज के इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करने में मदद मिले। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूँ। जो भी चार्जेस आपको अपस्टॉक के अंदर देने पड़ते हैं, उन सभी चार्जेस को खोल के आपको बताऊँगा। जो भी हिडन चार्जेस है, जो भी आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं, वो सभी चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपस्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को आप खुद से भी यूज कर सकते हो। अपस्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर आप जैसे गूगल पे टाइप करोगे, आपके सामने अपस्टॉक का ब्रोकरेज कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इंट्राडे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो भी शेयर है उसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उस शेयर को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टाटा के जो भी शेयर है उसके अंदर यहाँ पे ट्रेड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे टाटा पावर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंट्राडे हमने यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे क्वांटिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वांटिटी में यहाँ पे 100 क्वांटिटी रखूँगा। बाइंग प्राइस में यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं 100 रुपये बाइंग प्राइस यहाँ पे रखता हूँ और 150 में यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक मिनिमम मान सकते हो रखा है मैंने। तो टोटल ब्रोकरेज देख सकते हो, ब्रोकरेज यहाँ पे है 12 रुपये और 50 पैसे ब्रोकरेज आपको देने पड़ रहे हैं, जो कि अपस्टॉक आपसे इंट्राडे के अंदर चार्ज कर रहे हैं। अदर जो चार्जेस है वो 7 रुपीज़ एंड 35 पैसा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इन चार्जेस को किस तरह से लिया जा रहा है आपसे, वो सब यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे 100 चार्जेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ब्रोकरेज कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रोकरेज इतना लिया जा रहा है। एसटीटी सीटीटी चार्जेस है वो 3.75 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो भी देख सकते हो, डीपी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, सेबी के जो चार्जेस है वो भी यहाँ पे देख सकते हो, जीएसटी आपको कितना देना पड़ रहा है वो भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे टोटल टैक्स एंड चार्जेस मिला करके आपको 19 रुपये और 85 पैसे देने पड़ेंगे जब भी आप अपस्टॉक के अंदर इंट्राडे करते हो और ये क्वांटिटी रखते हो, ये बाइंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस रखते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बाइंग प्राइस को इंक्रीज करता हूँ, 1000 रुपये में बाइंग प्राइस करता हूँ और 1500 रुपये में यहाँ पे सेलिंग प्राइस कर देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे ब्रोकरेज की क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है और जो अदर चार्जेस है वो भी बढ़ चुके हैं। यानी कि जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे ब्रोकरेज चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि टोटल चार्जेस और टैक्स वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर 98.18 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। जैसे ही हमने प्राइस बढ़ाया तो यहाँ पर हमारे चार्जेस भी बढ़ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के देखते हैं। जैसे कि मैं 1000 क्वांटिटी यहाँ पे रख के देखता हूँ तो चार्जेस में क्या फ़र्क आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने 1000 क्वांटिटी की तो भी हमारा जो चार्जेस है वो बढ़ चुका है। देख सकते हो 1000 क्वांटिटी करने पे हमें कितना चार्जेस यहाँ पे देना पड़ रहा है, 556 रुपीज़ आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर 1000 क्वांटिटी में आप इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करोगे तो। यानी ये इंट्राडे के चार्जेस है और जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो भी आपके चार्जेस बढ़ रहे हैं। बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस बढ़ाते हो तो भी आपके चार्जेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपको किस तरह से चार्जेस देने पड़ते हैं अपस्टॉक के अंदर। अब जब भी आप अपस्टॉक के अंदर ट्रेड करो उससे पहले यहाँ पे आके चार्जेस देख लीजिएगा। आपका जो भी बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, जो भी आपकी क्वांटिटी है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अपस्टॉक आपसे कौन कौन से कितना चार्जेस चार्ज करेगा। ठीक है, उससे आप अपने ट्रेड को थोड़ा बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर पाओगे, बेहतरीन तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। अब बात करते हैं इंट्राडे को छोड़ करके डिलीवरी के अंदर, कि अगर हम डिलीवरी के अंदर यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हमसे कितने चार्जेस चार्ज करेगा। तो यहाँ पे मैं डिलीवरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी 1000 ही रखता हूँ, यही प्राइस रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस ये सेम ही रखता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना चार्जेस हमसे चार्ज किया जा रहा है। तो टोटल टैक्स और चार्जेस देख सकते हो, यहाँ पे 2823 रुपये हमसे चार्ज किया जा रहा है और ये हमारी ये क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय सेल करने वाले हैं और जो देख सकते हो प्राइस हमने रख रखा है वो। अब मैं यहाँ पे इस क्वांटिटी के जो बाइंग प्राइस है सेलिंग प्राइस है उसको मैंने कम कर दिया है। यहाँ पे मैं 100 रुपये से यहाँ पे बाय करूँगा और यहाँ पे 150 रुपये में सेल करूँगा। ये क्वांटिटी मैंने रख ली है 1000 क्वांटिटी, तो अब देख सकते हो टोटल टैक्स और चार्जेस 344 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जा रहे हैं टोटल टैक्स और चार्जेस मिला करके।
तो अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी को थोड़ा घटा करके देखता हूँ चार्जेस कम होते हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को घटाया तो देख सकते हो यहाँ पे चार्जेस के अंदर क्या डिफरेंस है। टोटल टैक्स और चार्जेस मिला करके यहाँ पे कम हो चुके हैं, 96 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जा रहे हैं टोटल टैक्स और चार्जेस मिला करके। तो इस तरह से दोस्तों क्वांटिटी और जो बाइंग प्राइस है सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके चार्जेस। तो अपस्टॉक के अंदर यहाँ पे आपको ये सभी चार्जेस देने पड़ते हैं जब भी आप अपस्टॉक के अंदर इंट्राडे और डिलीवरी में ट्रेड करते हो। तो वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा अपस्टॉक आपसे कौन कौन से चार्जेस लेता है और किस तरह से चार्जेस लेता है। आप खुद से भी अपस्टॉक के कैलकुलेटर को यूज़ करके बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी डाल करके अपने ब्रोकरेज को कैलकुलेट करके देख सकते हो पहले से ही। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी नीचे कमेंट करके बताइए कि अपस्टॉक आपके लिए कैसा डीमैट अकाउंट है। बाकी मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।